औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सलाम उन दोस्तों को जो दियारे गैर में बैठे हुए हमारे शौक़ को चार चांद लगाते हैं, और सलाम को जान देते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं अभी आपको दो तीन जोड़ों का शौक़ रहूँगा अपने, तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कैसे हैं, ठीक है। लाल आंखों वाले भी हैं और टैडी भी हैं एक दो, तो शौक तो चलता रहेगा, जोड़े तो काफ़ी हैं। जी दोस्तों शौक करें, ये मियाँ साहब वाली गाइडलाइन में से है, घर की पट्टी है। जी दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कैसे जुड़े हैं। पार तो कटे हुए इनके। अब इसके साथ का नर दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, ये इसके साथ का नर है, आउट क्लास पक्की लाल आंख में, ये भी मियाँ साहब वाले कबूतरों में से है। जी दोस्तों बताइएगा ज़रूर। फाड़ ले होता लोग तो भी फाड़ ले हो बच्चे। और ये टैडी माता, एक सलारा टैडी जोड़ा लगाया है, इसका भी शौक करे जरा। ये नारक के साथ जो अभी आपको माता दिखाई, thank you।
ले जी एक और गोल्डन का शौक करें, इसका बच्चा शाम शाम तक उड़ा हुआ है। जी दोस्तों ये कुछ जोड़े साइड पे किए हुए हैं, इसलिए पर कटे हुए इनके, तो इनके लहते ही बच्चे पलवा रहे हैं, ये तो कबूतर तो बेशुमार हैं। इंशाल्लाह उनका भी शो करवाएंगे। ये नारा जिसके साथ मियां साहब वाला, ये उसी मादी के साथ लगा हुआ, और इनका बच्चा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मेरी छत पे अपनी छत पे प्रवास करता रहा है गर्मी में। इसके पार चेक करें, और दोस्तों इस जोड़े के बच्चे का शौक भी करवाता हूँ मैं। माशाल्लाह ये अभी जो आपको जोड़ा दिखाया गोल्डन, इसके पार चेक करें माशाल्लाह कैसे नायाब पार बने हैं इसके। अभी बाहर की वाली छोटी है, इसका दूसरा भाई भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये उसका दूसरा भाई है, चेक करें, ये आंखें भी इसकी साफ होंगी, आपको मकोया लग रहा होगा पर ये काली आंख वाला नहीं है। ये इसका दूसरा भाई है जी, इसका भी पर चेक करें, माशाल्लाह लाजवाब पर है। ये दोनों बच्चे हैं जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये इस सीज़न में वे प्रवास होंगे।
हैं जी दोस्तों, आप नायाब परिंदे का शौकर हैं। ये भी मियाँ साहब वाले जो उस्ताद नुमान बट के पास हैं डालर वाले, ये उनमें से है शौकर हैं। जी दोस्तों नायाब परिंदा ये माशाल्लाह बहुत ही नायाब है। बात चेक करें इसका, जी दोस्तों ये चंद परिंदों का शौक हुआ आपको, और मुझे अपनी राय दीजिएगा कि ये जुड़े कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि इलम जो है ना कहीं से भी मिले वो हासिल करना चाहिए, अपने गुरूर में नहीं रहना चाहिए। कोई भी है चाहे वो जूनियर है या सीनियर है, उसके पास कोई ना कोई इलम है। तो बरए मेहरबानी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का और आपके तामन का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, फिर इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा मैं। हो सकता है फिर दोबारा आपको अपने ही परिंदों का शो करवाऊँ। ये चंद परिंदों का शो करवाया, परिंदे बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह मेरे पास, और सेल परचेज भी करते हैं जिस भाई को चाहिए हो, बच्चे चाहिए हों।